नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर संसद की मोहर लगना भी बाकी। अब उनकी नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ट्राई संशोधन विधेयक पर संसदीय कार्य मंत्री समर्थन जुटाने में कामयाब हो गए। कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी, एसपी सहित बीएसपी और एआईएडीएमके ने भी ट्राई संशोधन विधेयक का विरोध नहीं करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उसे वैधानिक स्तर देने के ट्राई संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर जरूरी है। संसद के निचले सदन में सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए बीजेपी की मेहनत रंग ला रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, एआईएडीएमके विधेयक के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस की दूसरी सहयोगी पार्टी समाजवादी ने भी ट्राई संशोधन विधेयक का विरोध नहीं करने की बात कही है। दो सहयोगी दलों के इस मुद्दे पर अलग हो जाने के बाद भी कांग्रेस इस विधेयक के विरोध पर अड़ी है। कांग्रेस सहित जेडीयू संशोधन विधेयक के विरोध में है। यूपीए के घटक दल डीएमके इस मुद्दे पर अभी राय कायम नहीं की है। फिलहाल विधेयक को मिल रहे समर्थन से नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू उन पार्टियों से बात कर रहे हैं जो यूपीए का हिस्सा नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 43 सदस्य हैं, उसकी सहयोगी पार्टी टीडीपी के 6, शिवसेना के 3, अकाली दल के 3, आरपीआई, एमएनएफ और एनपीएफ के 1-1 सदस्य हैं। कुल मिलाकर 58 सदस्य हैं। अब एनसीपी, एआईडीएमके, बीएसपी और एसपी के आ जाने के बाद कुल सांसदों की संख्या 99 हो गई है, लेकिन बीजेपी को 122 के समर्थन की जरूरत है। अब विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या पर समर्थन की संख्या निर्भर करेगी। फिलहाल बीजेपी राज्यसभा में इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाने में कामयाब होती दिख रही है। माना जा रहा है कि मोदी के मर्जी के प्रधान सचिव की नियुक्ति पर संसद की मुहर लग जाएगी। दिल्ली से रीमा पाराशर और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब सीधे आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि आंकड़े की बाजीगरी क्या चलती है, आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां पर ये आंकड़े आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। देखें, नियुक्ति के पक्ष में एआईएडीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी और एनसीपी, इन्होंने सरप्राइज किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सरप्राइज किया। आखिरी मोमेंट पर टीएमसी की अगर बात की जाए, खासकर उसने नियुक्ति के विपक्ष में जेडीयू, कांग्रेस, सीपीएम और आरजेडी। अब जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी और सीपीएम, ये है नियुक्ति के विपक्ष में। जिस हम बिल की बात कर रहे हैं, संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, बिल में जिसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, ये हाल है यहां पर। हमारे दर्शकों को हम जो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी स्ट्रेंथ यहां पर सामने आ रही है, इससे इतना जरूर साफ हो जाता है कि ये हाल यहां पर होता है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर कौन कहां पर है, यह आपके हमने सामने बताया। देखिए, लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन अगर आगे बढ़े तो एक बार फिर से आप समझे, एआईएडीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आखिरी मोमेंट पर यह चेंज किया। एनसीपी की अगर बात की जाए, वो भी इनके फेवर में आ गई। जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी इनके अगेंस्ट में है।